फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये है राजा का महल का पहला फ्लोर। यह है राजा का भूल भुलैया जो कि इसके अंदर भाई बहुत ही अंधेरा है। ये देखिए भाई नीचे की साइड जा रहा है, कहाँ चलते हैं पता नहीं। ये नज़ारा देखिए आपका रानी का जो कुआं था जहाँ पे रानी लोग का पानी भरा जाता था वहाँ कोने की साइड। आइए चलिए आपको ले चलते हैं इन सीढ़ियों के जरिए आपको ऊपर साइड पे ले चलते हैं। आने के बाद तो यहाँ की हालत ही खराब हो जाती भाई। ये देखिए यहाँ से नज़ारा कितना खतरनाक दिख रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज आपको एक नई वीडियो के साथ आपको दिखाने वाले हैं कि 2024 में क्या हाल है दियरा राजमहल की। आपने हमारी कई वीडियो में देखा होगा दियरा राजमहल, जो कि आपको पुरानी वीडियो हमने दी थी और दिखाई भी थी, जो कि आज का जो समय चल रहा है 2024 का पहला महीना चल रहा है, जो कि आज हम आपको हालत दिखाने वाले हैं दियरा राजमहल की कैसा है, कुछ चेंजिंग हुए हैं या कुछ उससे भी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो के जरिए हम पूरी डिटेल देने वाले हैं और फुल वीडियो को एक्सप्लोर करने वाले हैं दियरा राजमहल। तो आप लोग आइए इसको विजिट कीजिए और ये पुरानी लोकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोगों को यहाँ पे बहुत ही मनभावन करती है इसको। तो आइए चलिए आपको हम दिखाते हैं ये पुराना किला जो कि राजा का है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो में। ऑडियंस आप देख पा रहे होंगे ये है राजा का महल का पहला फ्लोर जो कि पड़ जाता है यहाँ का। ये सब पूरा चीज़ टूट चुके हैं और ये सामने का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये थोड़ा बैक साइड से इसके सामने आप वहाँ से जहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया था वहाँ से आप इधर के साइड देख पा रहे हैं ये नज़ारा, जो कि ये जो मलबा है यहाँ का सभी ढह चुका है, नीचे के साइड पूरा मलबा बैठ चुका है। और ये फर्स्ट फ्लोर के नज़ारे आप देख पा रहे हैं जो कि टूट चुके हैं। और यहाँ से बात करें तो ये भी देखिए इधर के भी फर्स्ट फ्लोर टूट चुका है और दूसरा फ्लोर जो है वहाँ का बचा हुआ है। और ये जो सीढ़ी जाती है आप नीचे की साइड से देख पाएंगे तो ये सीढ़ी जाती है आपको ऊपर की साइड लेके। उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं राजा का भूल भुलैया। ये है राजा का भूल भुलैया जो कि इसके अंदर भाई बहुत ही अंधेरा है। चलने के लिए भाई बहुत ही जिगरा होना चाहिए। जाओगे अंदर? नहीं जाओगे? चलो दिखा दो एक बार भाई। चल रहा है देखिए, ये देखिए भाई नीचे की साइड जा रहा है, कहाँ चलते हैं हमें पता नहीं। ये नज़ारा देखिए भाई पूरा अंधेरा है यार। इसके अंदर से पहले चलते हैं क्योंकि घुटन सी महसूस हो रही है भाई, इसके अंदर घुटन सी महसूस हो रही है। ये सामने की भूल भुलैया देखिए, जस्ट इसके बगल एक और है, ये देख पा रहे हैं इसका नज़ारा। ये और भी खतरनाक है भाई नीचे के साइड। भाई ये पूरा अंधेरा है और निकलता कहाँ है आपको हम बताते हैं। आइए ये निकलता है कहाँ पे आइए आपको दिखा देते हैं हम। ये देखिए ये यहाँ से निकलता है भाई, ये नज़ारा जो वहाँ पे आप देखा वहाँ की भुलभुलैया का नज़ारा इसके ज़मीन से नीचे होते हुए ये जस्ट यहाँ पे आके निकलता है। और जस्ट आप सामने की साइड से जब आएंगे तो ये नीचे की जो सीढ़ियाँ जाती हैं, सीढ़ियाँ जाने से पहले आपको ये दिखेगा ये रास्ता जो कि ये चलता है अंदर की साइड पे। और यहाँ पे पड़ता है आपका रानी का जो कुआं था जहाँ पे रानी लोग का पानी भरा जाता था वहाँ कोने की साइड। यहाँ तो भाई इसके अंदर लग रहा है कुछ खुदाई उदाई हुई थी जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये सोना भाई कह रहा है इसके अंदर सोना उन्होंने निकाला गया था, इसकी खुदाई हुई थी। और जस्ट इसके बगल थोड़ा तार गया, आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो बचा के आइएगा। और यहाँ के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ उड़िया टूट चुकी हैं। और ये देखिए रानी का कुआं जो कि बहुत ही गहरा है भाई, बहुत ही गहरा, आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड पूरा अंधेरा ही है, बहुत ही गहरा है। यहाँ क्या है हर्षित भाई? इसका नज़ारा भाई कहाँ जा रहा है मैं कुछ पता नहीं, इसका एक बार खोज करनी पड़ेगी ये रास्ते सब कहाँ जाते हैं। आइए चलिए आपको ले चलते हैं राजा के महल के ऊपरी छत पे, दिखाते हैं क्या नज़ारा है वहाँ से बाहर का। आइए चलिए आपको ले चलते हैं इन सीढ़ियों के जरिए आपको ऊपर साइड पे ले चलते हैं, जो कि ये आपको ऊपर का भी नज़ारा दिखाते हैं क्या है ऊपर, जो कि भाई सीढ़ियाँ बहुत ही खतरनाक बनी हुई हैं आप देख ही पा रहे हैं, सीधी है। और ये देखिए ऊपर आते समय भाई यहाँ का तो मैंने आपको नीचे से दिखा दिया, ये जो मंजिला है ये पूरा ढह चुका है ऊपर वाला, इसके ऊपर का तो बचा है जो कि इसके ऊपर जाने में भी बहुत खतरा है।
और बात की जाए तो यहाँ की, आइए दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखिए, पता नहीं यहाँ पे भाई क्या चीज़ बनाया गया है। इसके अंदर ये जो रास्ता है सीधा ऐसे लेफ्ट साइड पे जाता है, और ये देख पा रहे हैं आप नज़ारा, ये कहाँ पे गायब हो जाता है। और इधर का देखिए, ये यहाँ पे इधर से गया ऊपर की साइड पे। भाई क्या चीज़ें कैसी बनाई गई, कुछ चीज़ें पता ही नहीं चल रही है। और आप इसके साइड पे देख रहे हैं जो ये रास्ता बनाया गया, इसके इस साइड पे देखिए ये पूरा चीज़ें से बनाई गई, जो कि नीचे आप देख पा रहे हैं ये पड़ रही है हमसे नीचे। और ये देखिए ऊंचाई है, ये देखिए यहाँ पे नीचा है, जो कि ये भी कहीं ना कुछ इसके अंदर बनाया गया है। भाई कहीं से जाने का रास्ता इसके भी अंदर है कुछ ना कुछ। ये जो जगह है बहुत ही डरावनी है, रात के समय का नज़ारा तो भाई क्या ही कहें कैसा होता होगा कुछ पता नहीं। यहाँ पे लोगों का रहना खाना पीना, भाई कभी कोशिश करेंगे यहाँ पे रुकने की एक बार हम लोग साथ में हो जाएं। पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देख पाए यहाँ का नज़ारा। भाई इधर आने से पहले ये जो चीज़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल रहा है और ये पूरा ढह चुका है। वहाँ पे आपने देखा था वो सीढ़ियाँ इनारे के पास, जो हम लोग कुएँ के पास गए थे तो वो सीढ़ियाँ वहाँ पे थी। तो जस्ट उधर से ना होते हुए हम यहाँ से भी चलते हैं ऊपर की साइड पे। आइए देखिए, और भी लोग सामने के साइड पे हैं जो कि देख पा रहे हैं। और भाई क्या हाल चाल, घूम लिया भाई पूरा? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो आइए चलिए, भैया जी ने देखा भी अच्छा भी लगा इनको। बट बात की जाए तो ये आपका सेकंड फ्लोर जो पड़ता है ये पूरा बना हुआ है, जो कि यहाँ का नज़ारा तो पूरा बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। अभी तक तो इसमें क्या चीज़ें टूट चुकी हैं हमें नहीं पता भाई। ये ज़्यादा नज़ारा आप देख पा रहे हैं तो ये भी जर्जर हो चुका है, जब चाहे तब टूट सकता है भाई। और इधर देखिए, यहाँ पे लोग जा जाके अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम भी लिख देते हैं। इधर भी देखिए क्या क्या चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर पहुँचने की बात की जाए तो भाई कहाँ से कहाँ, और इधर देखिए सामने की साइड वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कैसे आप देख पा रहे हैं ये महक, भाई वहाँ पे जाने का तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कैसे गए होंगे। पहले इसको देखिए, जाने की बात छोड़िए गए कैसे होंगे इधर से चढ़ चढ़ के। जा सकते हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। और ये बात की जाए तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा, यहाँ भी जाने के लिए लोग कैसे चले जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ से जाते हैं भाई। ये देखिए जो कि यहाँ का नज़ारा हमें सही दिख रहा है, ये मजबूती भी है यहाँ की, अगर आप लोग बात कहेंगे तो ये चीज़ मजबूत भी है यहाँ से। ये चलिए आपको ले चलते हैं सबसे ऊपरी फ्लोर पे, जो कि सबसे ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। क्या नज़ारा एकदम ऊपर का, जो कि वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऑडियंस, आप सामने के साइड देख पा रहे होंगे रानी महेंद्र कुमारी, जो कि इनका स्कूल भी खोला गया है रानी महेंद्र कुमारी, राजा की पत्नी के नाम पे इसको ओपन किया गया था, और अभी ओपनिंग भी चल रही है, ये स्कूल ओपन भी होता है। और ये जो आप पूरा लोकेशन जहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये पूरा राजा की रियासत है, इतनी जितनी आपको दिख रही होंगी। ये हर जगह का नज़ारा आप जितना देख पा रहे होंगे वो भी राजा के अंडर में है। और ये इधर का नज़ारा, यहाँ तो पूरा बंद है, ये भी जो अंडर में है राजा के ही। और बात की जाए तो यहाँ ऊपर का आप देख पा रहे हैं ये नज़ारा। भाई यार ऊपर आने के बाद तो हालत ही ख़राब हो जाती है, उतना नीचे से आने के बाद तो आप नज़ारा देख पा रहे नीचे का, वहाँ से आने के बाद तो यहाँ की हालत ही ख़राब हो जाती है भाई। थोड़ा सांस ले लें तब वीडियो देखते हैं। ऑडियंस अगर आपने यहाँ की हमारी पहली वीडियो देखी होंगी, जो कि पुरानी वीडियो हमने नॉर्मली वैसे बना के डाली थी। बात की जाए यहाँ की तो यहाँ पे जो पहले के समय पे यहाँ पे ये बड़े बड़े खंभे यहाँ पे रहते थे, जो कि पिलर टाइप के यहाँ पे स्टैंड रहते थे। आज के समय में आप देख पा रहे हैं यहाँ का तो पूरा नज़ारा भाई, लोग यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पूरा ढह दिए इसको, जो कि पूरा पिलर का जो आप देख पाएंगे मलबा वो सब नीचे ही जाके गिर चुका है। और यहाँ भी जो जगह मैं खड़ा हूँ ये भी बहुत खतरनाक बन चुकी है। और ये देखिए यहाँ से नज़ारा कितना खतरनाक दिख रहा है। और बात करें तो पृथ्वी, यहाँ पे आने के बाद आपको जैसे लगेगा कि हाँ भाई जो पृथ्वी है ये पूरा रोटेट कर रही है और ये पूरा राउंड में है। आप नज़ारा दूर दूर तक देख पाएंगे कितना भयंकर नज़ारा यहाँ से दिखता है। और बात की जाए वहाँ सामने की तो यहाँ पे चारागाह होता था जो कि राजा का, वो आप सामने नीचे की साइड देख पा रहे हैं। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये नीचे की साइड आप देखिए सामने, वहाँ पे वो नीचे राजा का चारागाह होता था,
वहाँ पे तबेला भी रहता था, और वो जो आप देख पा रहे हैं खजूर के पेड़ जहाँ भी आपको दिख रहे हैं, वो सब राजा के अंडर में भाई एरिया, वहाँ पे राजा की गाय वे सब चरती थी, और वहाँ से जो वहाँ पे उनकी सभाएं लगती थी वहाँ से लोग खड़े रहते। वो गेट आप देख पा रहे हैं कोने, वो वाला गेट, वहाँ से ऐसे आते थे, जो कि मैंने सुना है और जाना भी है। और वहाँ से वो रास्ता होता था उनका दरबार के साइड का जो सामना पड़ता है, वो वहाँ पे लोग सिक्योरिटी गार्ड वोड बैठते थे, वहाँ जो आप देख पा रहे हैं सैनिक उनके वहाँ पे बैठते थे। और यहाँ से जो होता है भाई, यहाँ से रखवाली की जाती है। सामने की साइड आप देख पा रहे हैं ये जो लोकेशन बनाया गया सामने की साइड, ये वो तब का समय है भाई, जो कि बात की जाए वहाँ जाने के लिए आपको नीचे की साइड से वहाँ से रास्ता बनाया गया, जो कि आप लोग तब तो तोड़ उठाए रास्ता, वो नीचे वाला वहाँ पर जाके निकलता है उस जगह पर, उस रोटेशन पे निकलेगा भाई। और बीच में उधर से वायर आया है, अगर आप लोग वहाँ पे जाते हैं, जो कि मैंने आपको नीचे दिखाया, वो या वायर जो है बहुत ही ख़तरनाक है नीचे की साइड पे। और ये देखिए भाई, लोग इधर से आ रहे हैं फिर से, जो कि वो रास्ता जो था कुएं के पास से, जस्ट ये ऊपर की साइड ऐसे आता है, बट ये दूसरे साइड पर आता है ये रास्ता, आपको उस साइड पर नहीं आता। ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? अरे क्या हो रहा है, क्या उठ नहीं रहा है भाई? क्या है वो? मगरमच्छ भाई जिंदा कर रहा है ये भाई, नुकीली है भाई, कह रहा है मगरमच्छ जिंदा कर रहा है, उसको उठा रहा है जी। ऑडियंस यार, यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और बात की जाए तो मेरे इस वीडियो में अगर मेरा 50K क्रॉस, मतलब ये क्रॉस कर देता है वीडियो, 50K व्यूज क्रॉस कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चैलेंजिंग वीडियो रखूँगा, जो कि यार दोस्त सबके साथ, आप लोग बस भाई सपोर्ट करो। और यहाँ पे मैं एक चैलेंज वीडियो रखूँगा, जो कि नाइट चैलेंज, यहाँ पे देखिए कौन नाइट चैलेंज कितना समय तक यहाँ पे रह सकता है और क्या होता है हम लोग का नज़ारा। आप लोग वीडियो में रिएक्शन देखेंगे हमारा क्या होता है रात के समय का नज़ारा यहाँ पे। अगर आप लोग 50K क्रॉस हमारा वीडियो पार करा देते हैं तो फटाफट भाई वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप सबको पसंद आया तो वीडियो को फटाफट शेयर भी कीजिए। तो आइए चलिए आपको ले चलते हैं दूसरे साइड पर, नज़ारा दिखाते हैं वहाँ का कैसे, वहाँ का नज़ारा वहाँ का दिख रहा है सामने का, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऑडियंस, मैं इस जगह से आ चुका हूँ, यहाँ इस सीढ़ियों के पास, जो कि यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखाने वाला हूँ। ये तो भाई यहीं तक रह गया, ये जस्ट इसके ऊपर वाला नज़ारा आप लोग देखेंगे तो इधर से ये चलेगा ऊपर की साइड पे नज़ारा। ये भाई ये जो सीढ़ी है भाई बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है, आप लोग यहाँ बचा के आइए थोड़ा। भाई फिर से मिल गया दोबारा, कहाँ से भाई? सुल्तानपुर से ही भाई, तो आप लोग यहीं के हैं लोकलिटी। तो ये देखिए जो मैं आपको वहाँ से नज़ारा दिखा रहा था यहाँ का, तो आइए चलिए आपको मैं यहाँ से विजिट कराता हूँ उधर का नज़ारा कैसा है। ये देखिए यहाँ से जो छत का नज़ारा है उस वाले, और ये इधर से राजा का तबेला मैंने आपको दिखाया था, ये नीचे की साइड पे, जो कि आपने देखा था ऊपर से नज़ारा, और ये नज़ारा मैंने आपको ऊपर से दिखाया था जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा था। ये देखिए सामने की साइड, वहाँ पर भाई राजा ने कब वो सब लगा दिया वास बेसिन उसे भाई, वो देखिए सामने राजा ने भाई वाश बेसिन कब लगा दिया, टंकियों की सब चीज़ पड़ गई भाई, लग रहा है उम्मीद है यहाँ पे कोई रहता होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई रहता होगा इस समय, जो कि मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। नाइट का भाई लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, जो कि ऐसा वीडियो में सपोर्ट दीजिए, और ये वीडियो मेरी 50,000 पार होती है, तो जस्ट मैं इसका एक चैलेंज वीडियो ज़रूर रखूँगा भाई। और भी ऐसी चीज़ें आप लोग अगर वीडियो में देखना चाहते हैं हमारे, जो कि ऐसे राजमहल से जुड़ी, जहाँ भी होगी, आप लोग बस सपोर्ट नहीं दे रहे भाई, सपोर्ट दीजिए तो मैं आपको और भी जगह की ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जो कि पुरानी चीज़ों से रिलेटेड। तो आइए चलिए आपको नीचे की साइड ले चलते हैं और वहाँ से भी नज़ारा दिखा देते हैं एक बार नीचे से। भाई लोग कई सारे लोग यहाँ पे, जो कि इसको बिल्डिंग को जो बनाया गया राजा का महल, इसको टॉर्चर करके हर चीज़ों को कोई ना कोई चीज़ निकालने की कोशिश की जाती है, पता नहीं इसके अंदर कोई सोना या कोई भी चीज़ हो, कुछ ना कुछ तो भाई इसमें ज़रूर होगी, जो कि ये रहस्य से भरी हुई है, ये कुछ ना कुछ जरूर है, बहुत ही रहस्यमयी है ये हवेली। यहाँ पे अगर आप नज़ारा देख पा रहे हैं, ये जल्द में क्या चीज़ें खोदी जा रही हैं, क्या चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है जो कि क्या चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर। ये देखिए दर दर पे आप देख पा रहे हैं ये सब चीज़ें, पता नहीं क्यों खोदी गई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से कुछ खोद के निकाला गया है, क्या किया गया हमें तो भाई कुछ पता ही नहीं चला है, और यहाँ पे अंधेरा ही भाई बहुत है, और जो समय हो रहा है हमारा शाम का समय हो रहा है। ये देखिए ये सब भाई कहाँ पे चले आए हम, यहाँ से तो भाई पूरा ये सब तो भाई झाल आ चुकी है यहाँ पे पूरे, ये भाई सामने की साइड आ चुके हैं, जो कि वो है नज़ारा हमारा जहाँ से हमको चलना है बाहर की साइड पे,
भाई पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, ऐसे ही हम लोग ढूंढते ढूंढते। ऑडियंस, मैंने आपको उस साइड पे राजा का महल दिखाया, राजा का टीला दिखाया, और जस्ट मैं इधर से मैं बाहर निकलते हुए, इस गेट से बाहर निकलते हुए बाहर की साइड आ रहा हूँ, और इधर जहाँ पे राजा का स्कूल होता है, रानी महेंद्र कुमारी के नाम पे जो ओपन किया गया है ये विद्यालय, जो कि इंटर कॉलेज है ये, और यहाँ से मैं आइए आपको राजा के जो महल था वहाँ का नज़ारा एक बार मैं यहाँ से दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है वहाँ का नज़ारा। आप देख पा रहे हैं शाम होने की कगार पे है, जो कि सूरज ढल चुका है, और वो देखिए वहाँ का नज़ारा, मैंने जो आपको दिखाया था उस सीढ़ी का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके वीडियो में, वो देखिए वो है सीढ़ी वहाँ की, और ये राजा के महल का सामने का इलाका है, जो कि कहा जाता है कि ये राजा का बड़ा भूलभुलैया हुआ करता था, जो कि रानी यहाँ से जाती थी नहाने के लिए, जो कि स्नान करने के लिए उस नदी के छोर पे जाती थी, जो कि लास्ट पे बनाया गया है, वो नदी जहाँ पे है वो वहाँ पे, जो कि इसके नीचे से बताया जाता है, जो कि ये रास्ता नीचे की साइड से बनाया गया था, और वो सामने नदी की तरफ जाता है वो रास्ता जो सीधा गया है। और ये देखिए राजा की जो तोप हुआ करती थी, तो उसका कुछ हिस्सा ये चीज़ बचा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये आगे की नली है, जो कि ये बची हुई है। ये चीज़ तो अभी जो मैंने आपको पहले वीडियो दिखाया होगा वो तब भी था, अब भी है, और उम्मीद है कि रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं इसकी तो बता नहीं सकता, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो लोगों का किया कराया है भाई इस पर, आप देख पा रहे हैं रोज आते हैं कि इस पर बैठेंगे तोड़े ताड़ेंगे हर चीज़ भाई, अपना प्रयास करते रहते हैं, और उम्मीद है ये चीज़ जो होगी कई टन की होगी भाई, जो होगा 100 kg प्लस होगा भाई, ये जितना मोटा है जितना हर चीज़ आप देख ही पा रहे होंगे कैसा नज़ारा आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और यहाँ पे देखिए लोग जो हैं यहाँ पे रात के समय रहते भी हैं भाई, ये इनका निवास भी बन चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, और वो कार्यालय हुआ करता है जो कि इस कॉलेज से जुड़ा हुआ, वहाँ का राजा का कार्यालय जो हुआ है वहाँ बन चुका है, जो कि लोग अभी भी आते हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं अभी भी आते हैं। और ये जो कॉलेज है आप देख पा रहे हैं सामने, रानी महेंद्र कुमारी सरदार वल्लभ भाई इंटर कॉलेज, जो कि दियरा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप देख ही पा रहे होंगे इस कॉलेज का नज़ारा, प्रांगण जो कि बहुत ही बड़े में है, आप जितना बड़ा चाहिए उतना तो कॉलेज का प्रांगण है, क्योंकि जितने छात्र हैं उस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है यहाँ का नज़ारा। ऑडियंस, मैं इस राजमहल के ब्लॉग को यहीं पर एंड करने वाला हूँ, और मैं आप सबसे एक नए ब्लॉग में मिलने की अनुमति चाहता हूँ, जब कि ये वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ, फटाफट वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, तो चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, बाय बाय ऑडियंस।